नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बॉर्न आर्टिस्ट यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं लेके आ रहा हूँ कुछ बिगनर्स के लिए वाटर कलर टिप्स। चलिए दोस्तों, तो देखिए देखते हैं कि बिगनर्स के लिए क्या टिप्स है। मैंने यहाँ पे पैलेट पे कुछ एक कलर लेके रखा है। वाटर कलर में बहुत ही जरूरी है कि पानी की मात्रा सही हो, तो इसमें आप बिगनर्स एक ड्रॉपर यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको जितना इसकी कलर की कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से आप ड्रॉप्स डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक ड्रॉप डाला है, यहाँ पे मैंने दो ड्रॉप डाले हैं, यहाँ पे मैंने तीन ड्रॉप डाले हैं, यहाँ पे मैंने चार ड्रॉप डाले हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये कंसिस्टेंसी कैसी है, कलर कंसिस्टेंसी देखिए। जहां पे एक ड्रॉप डाला है मैंने, तो वहां पे कलर थोड़ा सा थिक है। जहां पे मैंने दो ड्रॉप डाले हैं वहां पे थोड़ी कंसिस्टेंसी यहाँ पे ज्यादा हो गई है। जहां पे मैंने तीन ड्रॉप डाले वहां पे और ये कलर पतला हो चुका है, और जहां पे चार ड्रॉप्स डाले हैं वहां पे और ये पतला हो चुका है। जब हम ये पेपर पे यूज करेंगे उस हिसाब से आपको इसमें डार्क लाइट शेड्स आप दे सकते हैं। हमेशा ख्याल रखिए कि दो पानी के अलग अलग पॉट्स आप रखें, जैसे कि पानी एक गंदा हो जाए, मैला हो जाए तो तुरंत उसे चेंज कीजिए, नहीं तो आपकी पेंटिंग खराब हो जाएगी। तो देखते हैं इसका इफेक्ट। यह है एक ड्रॉप जहां पे मैंने कलर में डाला था। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इसका शेडिंग देखिए। ये दूसरा जो है वहां पे मैंने दो ड्रॉप डाले थे, तो इसका थिकनेस देखिए। यह है तीसरा जो और भी पतला हो चुका है, देखिए। चौथा इससे भी पतला हो चुका है। इसमें आप शेड्स करेंगे तो देखेंगे कि ये कैसे पतला हो जाता है। जितना पानी आप मिक्स करेंगे इसमें, उस हिसाब से इसके शेड्स, ये वाटर कलर पतला हो जाएगा, कलर पतला हो जाता है, देखिए। ये सिंपल सी ट्रिक है, आप एक ही कलर से भी इसमें शेड्स बना सकते हैं, जैसे कि ये मैं अभी बना रहा हूं। देखिए ये डार्क शेड है थोड़ा, इसको मैं थोड़ा और लाइट करते आता हूं। देखिए जैसे मैं पानी नीचे पुल कर रहा हूं, ब्रश से स्प्रेड कर रहा हूं, ये पतला होता जा रहा है। और एक चीज आप नोटिस करते होंगे कि यहाँ पे देखिए जरा कलर यहाँ पे मोटा है या जाड़ा है, तो इसमें ऐसे पैचेस बन गए हैं, तो इसे आप डाइल्यूट कर सकते हैं पानी की हेल्प। ये देखिए, अब देखिए ये पानी थोड़ा सा मैला हो चुका है। हमेशा याद रखिए कि एक सफेद या अच्छा एक टिश्यू आप साथ में रखें, जिससे आपके ब्रश का कलर पूरी तरीके से निकाल सके। अब मैं आपको दिखाता हूं थोड़ी सी शेडिंग्स। यहां पे मैंने कैमलिन के जो रेगुलर वाटर कलर्स आते हैं वही यूज किए हैं। तो देखिए ये मैंने ब्लैक यूज किया है, इसके लिए मैंने देखिए दूसरा एक सेपरेट डार्क कलर के लिए मैंने वाटर बाउल रखा है धोने के लिए, ब्रश को रिंस करने के लिए। ये देखिए शेड्स, डार्क शेड। अभी इसमें ही आप डार्क शेड बना सकते हैं, ग्रीन में ही। ये देखिए
सबसे डार्क होगा आपका ब्लैक, फिर होगा उससे थोड़ा सा कम डार्क, देखिए, फिर होगा और इसमें पतला। इसमें आप व्हाइट भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप धीरे धीरे नीचे शेड आपको बनानी है तो उस हिसाब से आप व्हाइट कलर भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए आप सिर्फ पानी से भी इसकी शेड्स बना सकती हैं। ये देखिए पूरी तरीके से ये व्हाइट हो चुका है। चलो इसमें से ये कोई पेंटिंग बना देते हैं, शेड बना देते हैं। ये देखिए पानी की मात्रा देखिए, इसमें ब्रश से भी आप इसमें डाइल्यूशन कर सकते हैं पेपर पे। हमेशा पानी बदलते रहें जिसकी वजह से आपके पैचेस ना पड़े, इसमें गंदे पैचेस ना दिखे। इसमें आप थोड़ा बड़ा ब्रश भी यूज कर सकते हैं। जनरली बिगनर्स को 6 नंबर का ब्रश, 4 नंबर का ब्रश, 10 नंबर का ब्रश और 12 नंबर का ब्रश यूज करना चाहिए। जैसे जैसे आपकी एक्सपर्टीज हो जाती है आप उस हिसाब से कर सकते हो। देखते हैं इससे आप इससे हम क्या बना सकते हैं, आपकी एक्सपर्टीज के हिसाब से हम कर सकते हैं इसमें। तो चलो देखते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ अभी शेड्स दे रहा हूँ। मैंने थोड़ा सा लिया है। बिगनर्स आप ड्रॉपर यूज कर सकते हो इस कलर्स में। देखिए ये साइड का पानी गंदा हो चुका है, इसलिए मैं जब भी फ्रेश कलर यूज करता हूँ तो थोड़ा लाइट कलर का यूज करूंगा। ये देखिए किस हिसाब से शेड सा हो रहे। चलो इस गीले कलर में ही हम कुछ आपको इफेक्ट्स देने हैं तो वो भी आप दे सकते हो इस ड्रॉपर की सहायता से। अब थोड़ा सा पानी लीजिए, यहाँ पे आप ड्रॉप कर लीजिए ड्रॉपर से। ये देखिए इसमें और एक चीज बहुत जरूरी है कि आपका कलर को आप कंट्रोल कैसे करते हो पानी के हिसाब से। जैसे ये अभी फ्लो हो रहा है, ये खुद में एक डिजाइन बना सकता है, एक फॉर्म हो सकता है, इसमें आप शेड दे सकते हो। देखिए ये मिक्स कैसे हो रहा है, किस हिसाब से हो रहा है। ये देखिए हमने यहाँ पे लाइट कर दिया पूरा। कलर को फ्लो होने दीजिए। एक अच्छा सा बोर्ड भी आप रखिए। यहाँ पे मैंने अभी फिलहाल आपको बताने के लिए कुछ नहीं लिया है, यहाँ पे बोर्ड नहीं यूज किया है, ड्राइंग बोर्ड।
इसमें आप आसानी से किसी भी तरीके का तरीके की पेंटिंग आप बना सकते हो। जैसे अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ आपके लिए बना दूँ रैंडमली। सोचते होंगे ये क्या है एग्जैक्टली, तो देखते रहिए कैसे है ये पेंटिंग में परिवर्तित हो जाता है। सिंपल लाइट एंड डार्क शेड से भी आप इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से शेडिंग कर सकते हो। जब कलर आपका गीला हो तो वाटर कलर्स के शेड्स अच्छे हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं। इस टेक्निक को भी बोलते हैं वेट वेट मिक्सिंग। तो इधर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक पेड़ बना लूँ, तो देखते हैं। इसमें मैंने फिलहाल तो दो ही कलर यूज किए हैं, जैसे कि हम ग्रीन लेंस से देख रहे हैं कोई सीन। जैसे पेंटिंग में पर्सपेक्टिव भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, एस्पेक्ट है। पर्सपेक्टिव माने के डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है और उस वो कितना शार्प होना चाहिए। जैसे कि अगर नजदीक में ऑब्जेक्ट है तो वो डार्क कर रहा हूं मैं, शार्प कर रहा हूं। अगर ये बहुत दूर है ऑब्जेक्ट तो मैं इसको लाइट कर देता हूं। यहां पे मैं लाइंस मिटा रहा हूं, शार्प लाइंस, इसको पेपर में इमर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, पेंटिंग करते समय बहुत ही कॉन्फिडेंस से कीजिए। कैसा भी होने दो, आप उसे ठीक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि वो बिगड़ रहा है फिर भी आप ठीक कर सकते हो उसे, कि कोई भी पेंटिंग हो जाए। तो ये देखिए, मैं एक सीनरी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप कह सकते हैं रात का समय है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डार्क ब्लैक कलर यूज किया है। यहाँ पे हम अब थोड़ा ब्रश शिफ्ट करेंगे, चेंज करेंगे, जैसी आवश्यकता पड़ती है उस हिसाब से हम इसमें चेंजेस कर लेंगे ब्रश के। ये देखिए, मैं पेड़ बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इस कलर को फ्लो होने दीजिए, उससे ही बहुत ही अच्छी तरीके की शेप्स पेंटिंग में से ही उभर आते हैं करते करते, पेंटिंग करते करते।
देखिए मैं टहनियां बना रहा हूँ इस पेड़ की। तो कोई चीज आप पेंटिंग में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने ये मर्ज कर लिया है, मैंने कोई भी शार्प एज नहीं रखी इसमें। यहाँ पे मैंने थोड़े स्ट्रोक्स डाले हैं तो वो ऐसा मुझे दिखाना है कि कुछ पेड़ हैं जो खड़े सीधे हैं। ये देखिए आप इसमें ही कुछ ह्यूमन फिगर्स भी बना सकते हैं, जैसे आप एक्सपर्ट हो जाए इसमें तो आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। डायरेक्टली ब्रश से आप कर सकते हो। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे यात्री रुके हैं क्योंकि उनको इस बोट से दूसरी तरफ जाना है, तो ये मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ। ये देखिए इसको मैं मर्ज कर देता हूँ, इसमें थोड़ा सा शेड दे देता हूँ ब्लैक। इसमें अब मैं ह्यूमन फिगर बना देता हूँ। देखिए ऐसे बता सकते हैं हम, तो इसमें एक एज दे सकते हैं कि यहाँ तक किनारा है, ये थोड़ी छाड़ी है यहाँ पे, ये हम यहाँ पे थोड़ा डार्क कर सकते हैं। स्प्रेड कर सकते हैं, इसमें शेड दे सकते हैं, थोड़ा ब्रश चेंज कर रहा हूँ इसमें भी। ये मैं डार्क कलर से ही यूज कर रहा हूँ, डार्क कलर ही यूज कर रहा हूँ पेंटिंग के लिए, इसलिए मैंने डार्क कलर के बाउल से ही ये बना दिया है। इसमें व्हाइट भी आप रख के बीच बीच में, जो एक अच्छा इफेक्ट देता है। इधर एक सॉलिड ग्राउंड बना देते हम, फिर से हम ब्रश चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे छोटे थोड़े पेड़ बना देते हैं हम, अब ये थोड़े से हम लाइट बनाएंगे क्योंकि ये दूर है पर्सपेक्टिव के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से। तो ये शार्पनेस इसका कम होगा, इसको मर्ज कर देंगे। थोड़ा सा हम इधर इफेक्ट दे देंगे ग्रीन का,
ये डार्क ना लगे पेंटिंग, थोड़ा लाइट रखेंगे पेपर का, पहले के बैकग्राउंड का। देखिए ये मैंने छत से कुछ शॉर्ट पेंटिंग आपके लिए बनाने की कोशिश की है। इसमें आखिर में आप ड्राई ब्रश कर सकते हैं, अपना कलर सुखा दीजिए। और ये हो गई, ये रहा आपका रात का सफर। सो दोस्तों, इसमें हमने बहुत सी चीजें देखी कि मैंने किस हिसाब से इसमें कलर यूज किए। दो ही कलर यूज किए, बहुत ही लिमिटेड कलर यूज किए हैं। इसमें पानी की क्वांटिटी कितनी यूज किए हैं, बिगनर्स इसमें ये कर सकते हैं कि एक डॉपर की सहायता से आप कम ज्यादा पानी यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको आदत होती है तो इस ब्रश के हिसाब से आप 1, 2, 3 इस हिसाब से पानी की मात्रा आप डिसाइड करिए पेंटिंग में, कलर्स में, और आप यूज कर दीजिए। सो बेसिक टिप्स यही हैं। तो आपको कैसा लगा मुझे फीडबैक दीजिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको और क्या सीखना है। शुक्रिया। बॉर्न आर्टिस्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है, और धन्यवाद देता हूँ इस चैनल को देखने के लिए। थैंक यू। इस वीडियोस को, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।